वहाँ मिलती क्या 30,000 रुपये की चाय? नहीं ना बे, मिलती ना। हाँ क्या देखते, रब जुबी 30,000 रुपए की चाय ना रहा कुछ भी, 30,000 रुपये की चाय। मस्ती कर रहे क्या? 30,000 रुपए की चाय कुछ भी मतलब 30,000 रुपए की चाय। अरे अरे मैं अंधा हूँ तो कुछ भी बोलोगे क्या? 30,000 रुपये की चाय कुछ भी? कुछ भी झूठ झूठ बोल रहा है, हम लोग बच्चे को पढ़ाते तो मतलब कुछ भी झूठ झूठ। 30,000 की चाय आती क्या? 30,000 रुपये की सर, सभी होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो वापस आपका स्वागत है एक न्यू फ्रेश कमाल एपिसोड में नागपुर चा कार्तिक के। तो आज हम लोग एक बीच में, मैंने एक रूमर सुना था कि यहाँ पे एक दिन पे एक जगह एक संडे को 30,000 चाय बिकी थी। तो रूमर को आज अपन प्रूफ करके यहाँ के मेन जो ओनर है उनसे पूछते हैं कि ऐसा हुआ था क्या, और देखते हैं अगर हुआ था तो यहाँ की चाय में ऐसा क्या है कि एक दिन में 30,000 चाय। और अगर ये हुआ था तो समझो, अगर एक दिन में 30,000 चाय तो मतलब 30,000 × 10 3 लाख रुपए का धंधा एक दिन में सिर्फ चाय से। तो कुछ तो ऐसा होगा ना यहाँ की चाय में। तो आज वही देखते हैं यहाँ के, अभी थोड़े सिनेमैटिक दिख लो, फिर टेस्ट करके देखते हैं चाय कैसी, फिर यहाँ के ओनर से बात करते हैं। तो पूरा एंड तक देखना पता करने के लिए कि 30,000 चाय एक दिन में कैसे बिकी। तो यार ये अपनी चाय है, पहले एक उसके कप कप में आती थी, बट अभी कोरोना की वजह से उन्होंने कप का सिस्टम बंद कर दिया, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। कप का सिस्टम बंद करके डिस्पोजेबल को चालू किया, यूज़ करके फेंक दो। जो इतनी क्वांटिटी आप देख सकते हैं 10 रुपये की क्वांटिटी है, इसको अभी टेस्ट करते हैं कैसा टेस्ट है। इसमें ये लोग एक स्पेशल मसाला डालते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। हाँ, कड़क बहुत बढ़िया टेस्ट है वो मसाले का, बहुत बढ़िया टेस्ट है, एक नंबर। अरे ये देखो यहाँ का कचरे का डब्बा है, पूरा फुल है कप से, तो सोचो। तो ये सारांश अभी कॉफ़ी पी रहा है। नहीं पी सकता, गर्म बहुत गर्म है ये, बहुत ज़्यादा। तो यारो अभी यहाँ पे चाय बनना शुरू हो गई, तो पहले दूध को अच्छे से उबालेंगे, बढ़िया से घुमा रहे हैं। तो ये लोग दिनशॉस का दूध यूज़ करते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो यारो अभी डाल रहे हैं थोड़े मसाले और चाय पत्ती। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये इनकी पर्सनलाइज रहती है, इनकी पर्सनलाइज पैकेट में आती है, ये कोई और कंपनी का यूज़ नहीं करते। तो आप चाय को छानने के लिए इसको दूसरे कंटेनर में डालेंगे, मतलब दूसरे ऐसे प्याले में डालेंगे, और उसके ऊपर एक कपड़ा रखा है जिससे चाय पत्ती ऊपर चाय नीचे। अभी यहाँ के जो ओनर है उनसे थोड़ा पूछ लेते हैं सवाल वाल। तो भैया हमको एक ऐसा रूमर आया था कि यहाँ पे एक दिन में 30,000 चाय का सेल हुआ था। तो भैया ने जो बताया था कि 30,000 में 3,000 का सेल हुआ था, और जो टोटल रेवेन्यू कन्वर्ट हुआ था ना वो 30,000 का। हाँ तो भैया यहाँ की ऐसा क्या मतलब टेस्ट ऐसा क्या है अलग, जो अपने नागपुर में इतने सारे ऐसे खुल गए अवेले वाले? अवेले के 6 ही काउंटर्स है, मतलब ऐसे टाइप के खुल गए नागपुर में बहुत सारे, लेकिन सबका कुछ बिजनेस नहीं हो रहा, सिर्फ आपका वन साइड बिजनेस चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, उनका ब्रांड है और उन्होंने अपना जो भी एक बना के रखा है चाय का टेस्ट,
वो यूनिक है इसीलिए वैसा ही चल रहा है। तो अपना कुछ ऐसा मसाले में स्पेशल होगा ना? जी हाँ, जो दूसरे लोग नहीं बना पा रहे होंगे मसाले। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, तो इनका जो मसाला है काफ़ी स्पेशल रहता है, जिसकी वजह से जो दूसरे इनके कॉम्पिटिटर्स है वैसा मसाला नहीं बना पा रहे और वैसा टेस्ट नहीं दे पा रहे, इससे इनका वन साइड चलता है। तो भैया मतलब अपने आप पे क्या क्या मिलता है मेन्यू में? मेनू में अपने पास चाय है जो हमेशा रेगुलर बिकती है, और बाकी ब्लैक टी आया हुआ है उनका, हॉट लेमन टी है, अवेलेबल विदाउट शुगर है। विदाउट शुगर भी मिलता है? विदाउट शुगर भी अच्छा चलता है, डायबिटीज वाले उनके लिए विदाउट शुगर काफ़ी सही है। और विदाउट शुगर स्मॉल में नहीं है? नहीं, स्मॉल में नहीं, क्योंकि बनती है, बनती है तो विदाउट शुगर। और यहाँ पे पानी की बॉटल भी मिलती है अलग से, क्योंकि उनका खुद का ब्रांडिंग उनका ही है पूरा, क्रीम रोल, क्रीम रोल भी मिलता है जिसका रेट 10 रुपये है, और काफ़ी क्वांटिटी में भी बेचा जाता है। हाँ, ये भी काफ़ी सही चलता है यहाँ पे, जैसे भैया बता रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है। तो भैया ये आप थोड़ा इसके ब्रांड के बारे में बता सकते हैं? ब्रांड के बारे में इन द सेंस व्हाट, मतलब जैसे फ्रेंचाइजी क्या क्या चार्ज रहता है? फ्रेंचाइजी के तो आपको पूरा डिटेल्स इस पे वेबसाइट पे करना है, यहाँ पे सब पे आपको फ्रेंचाइजी के डिटेल्स मिल जाएंगे। ये डायरेक्टर बॉडीज है, वो आपसे पूरा कांटेक्ट करके वो सब करा देते पूरा। डायरेक्टर बॉडीज है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके जो भी आपको जो फ्रेंचाइजी वगैरह के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बिजनेस है अगर आप ऐसा पूछना चाहें तो, बट वहाँ पे कैसा पूरी इंक्वायरी लेके आप पूछ सकते हैं। तो भैया बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ आके, बहुत बढ़िया चाय थी, और जो इनका मसाले भी था ना यार, क्या बताऊँ। और मेन इनका कैसी चाय है कि बहुत अडिक्टेड चाय है, एक दिन आओगे पियोगे दूसरे दिन ये इनकी चाय खींच के लेकर आ जाएगी आपको, ये सबसे प्लस पॉइंट है आपकी चाय का। बिल्कुल, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स रहते हैं ना एकदम ब्लूप्रिंट कस्टमर्स बन जाते हैं और वो बार बार आते हैं, तो सेम टेस्ट वही रहेगी कहीं पे भी जाओ महाराष्ट्र में आप। ये जो ब्रांड की टेस्ट, क्योंकि मसाला एक ही है तो कंसिस्टेंसी, और मतलब चाय एक ऐसी चीज़ है जो ना इंडिया में तो वन साइड चलती है, और ऐसा टेस्ट मिल गया तो मज़ा नहीं में बाकी कहीं कुछ नहीं। हर जगह महाराष्ट्र में जितने भी इनके ये है शॉप्स, हर जगह ये टेस्ट मिलेगा। तो अपने मुंबई, पुणे, नागपुर, पूरे महाराष्ट्र में 200 के ऊपर में इनके ब्रांचेज। अच्छा, पूरे महाराष्ट्र में 200 के ऊपर ब्रांचेज हैं ये अवेलेबल, तो काफ़ी सही है। नागपुर में कितने ब्रांचेज है भैया? 6। नागपुर में 6 ब्रांचेज है, तो आपको सबकी लोकेशन की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप आके यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, एक नंबर चाय, मज़ा नहीं ले। अपन का यहाँ का एक नया एपिसोड ख़त्म हो गया, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग एपिसोड था कि चाय के बिजनेस में भी इतना स्कोप है, टपरियों से जाके एक पूरी नई बड़ी दुकान भी खोल सकते हैं चाय की, और इतना बिजनेस है चाय का, तो काफ़ी सही था। तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकी मार्केटिंग की प्लस पॉइंट, तो इन्होंने मैकडोनल्ड्स के समान गोरिल्ला मार्केटिंग की है। गोरिल्ला मार्केटिंग क्या होती है कि आप अपने जो भी मतलब ब्रांड रहता है उसके साथ ऐसे मार्केटिंग करो, जैसे आप येवले चाय लिखा है तो इसका काफ़ी बड़ा इफेक्ट रहता है, जैसे आप मैकडोनल्ड का देख ही सकते हो, तो काफ़ी सही सिस्टम लगा, और मतलब काफ़ी सही थी चाय। तो अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद आया होगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करके मत जाना। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।